पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ शहर की विभिन्न महिला संगठनों ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। विभिन्न धार्मिक महिला संगठन, सामाजिक संगठन और अन्य संगठनों की महिला द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महिला होने के बाद भी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर की निंदा। उसी को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। ये हम चाहते हैं कि माननीय कलेक्टर साहब और राज्यपाल के पास पहुँचेंगे और अति शीघ्र इस पर कोई कार्रवाई। ये जो सर संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो वेदना हो रही है उसी को लेकर दे रहे हैं। किस संबंध में ज्ञापन सौंपा? मैं सुमन सोनी, महिला संगठन से। आज हम लोग यहाँ पे सभी बहनें उपस्थित हुए हैं संदेश खाली, जो पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं और जिसको अनदेखा वहाँ की मुख्यमंत्री, जो एक महिला होने के साथ नाते असंवेदनशील है, उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि महिलाओं के साथ वहाँ क्या अत्याचार हो रहे हैं। खुले में वहाँ शेख नाम का बंदा महिलाओं को उठा के ले जाता है, उनके साथ यौन शोषण कर रहा है और उन साथ अभद्रता कर रहा है, उनकी ज़मीनें हड़प रहा है। इतना सब अत्याचार होने के बाद में भी उसको शेख को पनाह दे के अपने पास रखा हुआ है और ऐसे असंवेदनशील कार्य जो करवा रही है वहाँ पश्चिम बंगाल में, ये बहुत ही निंदनीय है। हम सभी बहनें मिलकर इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि उन महिलाओं के साथ जो उत्पीड़ना हुई है, जो अत्याचार हुए हैं, उनके साथ न्याय हो और शेख जो है उसको गिरफ्तार किया जाए और जो न्याय हम लोगों महिलाओं के लिए होता है वो न्याय मिला जाए। यही हम लोग संदेश लेके यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं ताकि जल्द से जल्द उन महिलाओं को न्याय मिले। अगर उन महिलाओं को न्याय मिला तो हमारा महिला संगठन पूरा देश में सर्वव्यापी संगठन में आंदोलन करेगा और नीचे सड़कों तक उतर के आएगा उन महिलाओं के न्याय के लिए। सांगी सनातन श्री हिंदू समिति महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ। संदेश खाली पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोका जाए और उसी के लिए हम सभी बहनें यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। इस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार होगा तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? एक महिला पर अत्याचार करवा रही है, क्या कहें इसके बारे में? क्या बहुत ही निंदनीय है। यदि महिला महिलाओं के बारे में नहीं सोचेगी तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो महिला होते हुए उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा क्या होती है। तो इस तरह के अत्याचार महिलाओं पर ना हो इसलिए हम सभी बहनें यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सभी धार्मिक और सभी संगठनों से बहनें यहाँ पर आई हुई हैं और अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं।